नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ गोरखपुर से। आज हम सभी वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम इस वर्ल्ड हार्ट डे पे आज हम ये समझेंगे कि हार्ट अटैक को कैसे समझें, उसकी कैसी रोकथाम की जाए और बाकी हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो सभी को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इसका रोकथाम बहुत ही आसान है। अगर आपने सही से इसको जाना है तो अपने हृदय को आप स्वस्थ, सशक्त और सही कदम में आगे बढ़ाने में हमें और आप सभी को मदद मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल अपने देश में भी, भारत में भी हार्ट अटैक की घटनाएं या हृदयघात की घटनाएं बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसका ये लगातार काम करते रहना जीने के लिए जरूरी है। ये एक पंप है, मसल का पंप बना हुआ है जो पूरे शरीर में खून की संचार को करता है। यदि एक कुछ ही सेकंड के लिए अगर ये काम करना रुक जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो हार्ट अटैक या हृदयघात जिसे कहते हैं, वो कैसे होता है? जब भी हमारे खून की नलियों में, जो हृदय की मांस को सप्लाई करती है, मुख्यतः तीन वाहिनियां होती हैं, जिसमें अगर कोई अवरोध हो जाए, रुकावट आ जाए या ब्लॉक हो जाए जिसे हम कहते हैं, अचानक से अगर पूरी तरीके से बंद हो जाए तो उससे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि दिल के अंदर ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, जिससे कि वो दिल का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और मरीज को दर्द होता है। इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये आगे चल के एक तरीके से हार्ट फेल हो जाने की स्टेज में चला जाता है, क्योंकि जब दिल की पंपिंग कम हो जाती है तो वो दिल ब्लड आगे नहीं फेंक पाता, जिससे पूरे शरीर में उसके वजह से दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कुछ मामलों के पीछे कारण, सबसे प्रमुख कारण एक है कि ब्लड प्रेशर है, अधिक कोलेस्ट्रॉल होना या फिर अन्य लाइफ स्टाइल डिजीजे हैं, जैसे ब्लड शुगर है। तो हम इनको कैसे समझें? जैसे कि अगर हमारे ब्लॉकेज, या जिसे हम आर्टरी में ब्लॉकेज आना, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का जमाव जमनियों में शुरू होता है, धीरे धीरे वो सख्त होती जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, वहाँ पे जो माइक्रोवेस्कुलेचर है उसमें डैमेज होता है, जिससे कि अंदर की जो लेयर होती है वो काफी हद तक, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, वो नुकसान होने लगती है। फिर उसमें धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल या फैट जमने लगता है, और जैसे जैसे फैट जमते जाता है, ब्लॉकेज का स्तर बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे एक समय ये आता है कि मरीज को चलने फिरने में दर्द होना, सांस फूलना होने लगती है, और अचानक से अगर वहां पे ब्लॉक रप्चर या फिर जिसे हम कहते हैं कि वहां पे थक्का जम जाए, तो वो फिर उस जगह पे हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक आने के कुछ ही देर में दिल की पंपिंग कैपेसिटी घट जाती है, मरीज के बीपी का गिर जाना, हार्ट का फेल हो जाना या फिर मृत होने की संभावना होती है। तो अब हमें सबसे पहले जरूरी यह है कि जानना कि हार्ट अटैक किन किन लक्षणों, हम कैसे जान सकते हैं कि हमें दिल की कोई बीमारी हो रही है या हमें का। जो सबसे प्रमुख लक्षण है इस बीमारी का, वो है कि अगर आपके सीने में दर्द हो, या दर्द जैसा कि हम सभी सोचते हैं कि केवल लेफ्ट साइड में पेन होता है, आर्म में रेडिएशन था, ऐसा नहीं है। अधिकतर केसों में लेफ्ट साइड में पेन होता है, मगर जबड़े से लेके नाभि तक के दौरान दाएं या बाएं किसी भी तरफ में, या पीठ में दर्द, ये दिल के दौरे हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इसके साथ में अन्य जो है महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर वो दर्द सीने में भारीपन होकर जबड़े में जाए या फिर हाथों में उसका प्रवाह हो रहा हो, तो ये ज्यादा ज्यादा सटीक है कि ये शायद दिल का ही लक्षण हो। इसके अलावा कई बार बहुत से मरीजों को कोई भी दर्द नहीं होता, उनको जैसे सांस फूलना या सीने में दर्द के साथ में सांस फूलना, या कभी कभी चक्कर से आना, आंखें आगे अंधेरा आ जाना या बेहोश हो जाना, ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और स्पेशली जैसे इंपेयर वाला एमआई, जिसे हम कहते हैं इंपेयर वाला एमआई, उसमें कई बार मरीजों को बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उनको कई बार अपच होना या फिर उल्टी होना, कई बार दस्त आना, ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कुछ भी लक्षण हो तो आप अपने आप को तुरंत अलर्ट करें, आप तुरंत अपने नजदीकी किसी भी डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जाके अपना एक परीक्षण कराएं कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है, क्योंकि जितना आप जल्दी इस बीमारी का इलाज मिलता है, उतना ही नुकसान कम होता है, उतना ही अच्छे से इलाज हो सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक एक मसल, जो हम लोग कहते हैं टाइम इज मसल, जितना आपको लेट होता है अगर हार्ट अटैक के इलाज में, उतना ही ज्यादा मसल डैमेज होता है और आपके सही होने और फ्यूचर के रिस्क को बढ़ जाता है। अब ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से लक्षणों को जाने। अगला ये है कि अपनी हम जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जिसे जीवन शैली में क्या सकारात्मक बदलाव करके इस जोखिम को, जो कि रिस्क है, उसको कम किया जाए, जिससे कि हम अपने आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और जिंदगी अच्छे से चलती रहे। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारा जो सबसे आज के समय में कि
खाने क्या खाएं, क्या हेल्दी खाएं जिसमें कि हमारे हार्ट के लिए अच्छा हो, हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। तो हृदय के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या समूचे बिना छिलका निकाला हुआ अनाज है, लीन मीट्स जैसे कि फिश, नट्स हो गया, आप किसी भी प्रकार का नट्स, और ये सब चीजें आपको दिल के लिए अच्छे होते हैं। और साथ में मीठे पदार्थ जो है, बहुत ही स्वीट नट्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक है या हार्ड ड्रिंक है या कार्बोनेटेड वाटर्स हैं, इनको अवॉइड करें क्योंकि ये अत्यधिक दिल को नुकसान करते हैं। तो जब भी आप अधिक फल, सब्जी, समूचा अनाज, फाइबर रिच खाना खाते हैं या जो भी लेते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि सब्जियों और फलों में कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि हमारा जो एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाता है, और जिससे कि हमारे मोटापा में रोकने और दिल के लिए एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज को रोकने में भी मदद करते हैं। इसीलिए सभी को चाहिए कि अधिक से अधिक फल और ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करें, जिससे कैलोरी इंटेक कम हो और जिससे कि आपको अच्छे से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी चीज मिले। और बाकी जैसे जो अनहेल्दी थिंग्स हैं, जैसे रेड मीट हो गया, चीज है, स्नैक्स है, फास्ट फूड है, इनको अवॉइड करें क्योंकि इनसे हमें ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा क्या है कि ऑयल्स के लिए बहुत ही ज्यादा लोग कंसर्न होते हैं कि ऑयल कौन सा ऑयल है। सबसे पहली बात ये समझ लें कि ऑयल्स में दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो हमारे शरीर में फर्दर डैमेज करते हैं, वो क्योंकि उनका मेटाबोलिज्म शरीर में अच्छा नहीं होता, वो शरीर में धमनियों में जमने की क्षमता होती है। तो सैचुरेटेड फैट जो है उनको अपने डाइट से निकालना है, जिससे कि हम इसको जोखिम को, जो हार्ट के लिए जोखिम है उसको कम कर सके। तो सैचुरेटेड फैट किसमें ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ये होता है जो एनिमल फैट्स जिसे हम कहते हैं, जो रेड मीट्स में या फिर एनिमल फैट्स जैसे कि चीज है, फैटी मीट्स है, या फिर दूध वाली मिठाइयाँ हो गई, या फिर दूसरा जो है ट्रॉपिकल ऑयल जैसे पाम ऑयल है, या बहुत बार प्रोसेस किए, जैसे बहुत बार जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट बन जाते हैं जो कि शरीर में मेटाबोलाइज नहीं होता, वो डिपोजिशन होने लगता है। तो आप इन पदार्थों का चयन ना करके अनसेचुरेटेड फैट्स को चूज करें जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं, जैसे कि नट्स हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, या जो भी आप फिश ऑयल, फिश हो गया, तो इसमें आपको अनसेचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा ये है कि कोई भी एक ऑयल बहुत ही अच्छा नहीं होता है, ज्यादा अच्छा है कि आप वन और टू टाइप्स के, दो तरीके के ऑयल्स को यूज करें, जैसे आपने सनफ्लावर ऑयल ले लिया, साथ में राइस ब्रान ले लिया, या फिर मस्टर्ड ऑयल ले लिया, फिर ऑलिव ऑयल ले लिया। और स्पेशली अगर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हैं तो इसको ओवर हीट ना करें, क्योंकि अगर ओवर हीट करने पे इसकी जो गुड क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है और फिर ये एक बैड ऑयल हो जाता है। तो ये ऑलिव ऑयल स्पेशली लो फ्लेम हीट के लिए या फिर सैलेड्स के लिए यूज करना चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज्यादा हाई हीट पे बॉयल करते हैं तो इट इज बिकम ये फिर से एक बैड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा खाने की जो जरूरी चीज है जो सभी लोगों को, खासकर इंडियंस में, क्योंकि स्टडीज में देखा गया कि इंडियंस के खानों में, अपने देश में नमक की मात्रा काफी ज्यादा है, तो नमक की मात्रा ज्यादा है, साथ में हम लोग बहुत ही ज्यादा अचार, पापड़ या एडेड सॉल्ट भी यूज करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति जिन्हों कोई भी ब्लड प्रेशर या और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनके लिए 6 to 7 ग्राम सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट की अपर लिमिट रखी गई है, आप जितना कम लेते हैं अच्छा है। मगर अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपको कोरोनरी डिजीज है या किसी भी प्रकार के हार्ट के डिजीज से ग्रसित है, तो आपकी ये मात्रा घट के सीमित करके 3 से 5 ग्राम होनी चाहिए, जिसको कि आप अगर सोडियम की मात्रा देखें तो ऑलमोस्ट 2.3 ग्राम से कम लेना चाहिए, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रोकने, हाई होने से बचाती है, साथ में आपको किडनी के लोड्स भी बचाती है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको कार्डियक डिस्फंक्शन है, या फिर आपको हार्ट फेल्योर है, तो ये सॉल्ट की इंटेक जो है वो लेस देन 3 ग्राम होनी चाहिए, या 1.5 ग्राम सोडियम की इंटेक से कम लेना है, क्योंकि आप ज्यादा लेते हैं तो आपके हार्ट पे भी लोड पड़ता है, किडनीज पे भी। और समझने की बात है कि हमारे सभी खानों में लगभग सोडियम होता है, तो आप उस छुपे हुए सोडियम को अपने निगाहों में रखें, जिससे कि आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग सभी खानों में सोडियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें। फिर तीसरा जो है, जो आजकल हमारी लाइफ का एक सबसे
सेडेंट्री लाइफ बन गई है, हमारा जो बॉडी वेट है वो आइडियल ना रखे, ओबिसिटी की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो सबसे जो जरूरी है कि आप अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये हार्ट को स्ट्रांग बनाती है, साथ में आपको नियमित रूप से जो कैलोरीज है उसको बर्न करने में हेल्प करती है, साथ में ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर्स को कंट्रोल करती है, साथ में एलडीएल जिसे कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इसको भी घटाने तथा एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइजेज है हार्ट के लिए स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें कि आप रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है या स्विमिंग है, इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से आपको सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी आप अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अगर आपको इस तरीके के लक्षण हो कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त छाती में दर्द हो या आपके सीने में दबाव महसूस हो या बहुत जल्दी आप सांस लेने में दिक्कत हो रही हो या फिर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, जो आपके एज ग्रुप से लग रहा हो कि आपके 7 पलों से कम हो, तो निश्चित रूप से पहले आप मेडिकल सलाह लें तुरंत, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट संबंधी बीमारी का लक्षण हो। तो इस स्पेशली दूसरे जो हमारे पास सबसेट पेशेंट्स हैं जो है कि ओल्ड एज जिनकी ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम्स है, जो कि वॉकिंग फास्ट नहीं कर सकते उनको स्लो, तो उनके लिए सलाह यही रखूंगा मैं कि वो स्लो वॉक करें मगर वॉकिंग करते रहें। अगर किसी को स्विमिंग आता है तो वो स्विमिंग करके कर सकते हैं, साथ में उसके साथ में वो योगा का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने एटलीस्ट 2.5 आवर्स पर वीक का टारगेट रखिए, जिसमें कि अगर आप उसमें हैवी वर्कआउट करते हैं तो 1-1.5 आवर्स रख सकते हैं, साथ में लाइट वर्क जॉगिंग कर सकते हैं। तो लगभग रोज आपको 30-45 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपका हार्ट स्ट्रांग हो, आपका बीपी घटे और आपके कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, बैड कोलेस्ट्रॉल घटे। इसके अलावा जो सबसे और यंग में ओल्ड में भी ये देखा गया है कि स्मोकिंग एक लीडिंग काज है हार्ट डिजीज का, एमआईएस का, स्पेशली जो यंग पेशेंट्स है अधिकतर स्मोकिंग के वजह से ही हार्ट अटैक आता है। तो स्मोकिंग चाहे वो चबाने का हो, स्मोकलेस हो या स्मोकिंग के रूप में हो, चाहे खैनी हो, गुटखा है, इन सभी को बंद करें, क्योंकि स्मोकिंग कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा, चाहे दिल पे करे, नहीं तो कैंसर होने के भी रिस्क, कैंसर का भी एक प्रमुख कारण है। तो आप स्मोकिंग को 0 कहें, नो टू टोबैको। साथ में अल्कोहल भी अगर आप सेवन ज्यादा लेते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा अल्कोहल बहुत ही हाई कैलोरी इंटेक देता है, जिससे कि आपको ओबेसिटी होती है और फिर ये फर्दर हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स के रिस्क को बढ़ाता है। तो अल्कोहल अगर आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप उसको एक बहुत ही कम लिमिट्स में, लोअर लिमिट में, मॉडरेट अमाउंट्स में लें। मेरी सलाह में अल्कोहल किसी भी प्रकार में लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ज्यादा अच्छा है कि बंद करना। तीसरा चौथा पॉइंट हमारा जो है कि हमें जो आजकल हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। तो हमें खुद ही सीखना होगा कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अच्छी नींद लें, आप स्ट्रेस के अपने कारणों को जानें, अगर आप स्ट्रेस के लिए फिर मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर इन चीजों से भी आपको हेल्प नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से आप किसी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम करने के तरीके सुझा सके। तो कुल मिलाकर हम लोग को अपने लाइफ स्टाइल जीवन शैली में सुधार करके, जैसे कि हमें एक अच्छा हेल्दी डाइट, एक हेल्दी एक्सरसाइज और एक हेल्दी हैबिट से हम लोग फर्दर अपने हार्ट को स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने की संभावना, ब्लड प्रेशर को कम करने तथा ब्लड प्रेशर से बचने और हार्ट अटैक से खुद को बचाया जा सके। तो मेरा इस वर्ल्ड हार्ट डे पे यही सुझाव है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को एक अच्छा लाइफ स्टाइल करें, जिससे कि इस डिजीज के बर्डन को अपने देश से कम कर सकें। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। नमस्कार।